बाबा साहब को नमन करते हुए स्टेज पर भिक्षु संघ और सभा के सभी पदाधिकारी जो स्टेज पर विराजमान हैं तथा मेरे सामने बैठे पंडाल में मेरे साथी माताएं और बहनें, सबको मेरा नमो बुधाय, जय भीम। आदरणीय साथियों, ये कार्यक्रम हर साल होता है, हर साल श्रामनेर बोधाचार्य और केंद्रीय शिक्षक बनाए जाते हैं ताकि ये लोग समाज में जाकर अपने समाज को भगवान बुद्ध का संदेश, धम्म का प्रचार प्रसार करें। हकीकत में कितना हम कर पाते हैं, कितना ये लोग करते हैं, उसका ब्यौरा हमारे सामने आ जाता है जब हमारे समाज में उथल पुथल चलती है। कांशीराम जी कहते थे, मेरा समाज बिखरा हुआ है और आजादी के बाद, संविधान लागू होने के बाद संविधानिक रूप से अधिकार लेकर हम पढ़ लिख गए, पढ़ लिख कर हमने पद प्रतिष्ठा पा ली, गाड़ी बंगले ले लिए, यहाँ नहीं पहले से परेशान है। अगर व्यवस्था की बात करें तो आज भी हम नीच ही कहे जाते हैं। कहीं पर हम में से कहने को तो कह देते हैं कि एससी का एसटी का हमने प्रेसिडेंट बना लिया है, लेकिन उसको भी मंदिर जाने की इजाजत नहीं होती। कहीं पार्लियामेंट की मीटिंग होती है तो वहां भी प्रेसिडेंट को नहीं बुलाया जाता बहुत बार में। तो फिर हम पढ़े लिखे होकर कहां तक पहुंचे हैं, हम इस स्थिति का अंदाजा लगा सकते हैं। साथियों, जब तक हम बाबा साहब की शिक्षाओं का तथागत भगवान बुद्ध के आदेशों का सही ढंग से पालन और आचरण नहीं करेंगे, तब तक हमारा विकास असंभव है। पढ़ लिख कर शिक्षित होने को हम अपने आप को शिक्षित समझते हैं, लेकिन अगर समाज को ऊपर उठने की बात करनी है तो पढ़ा लिखा समाज जो है, पढ़े लिखे मेरे साथी जो हैं, वो किनारा कर जाते हैं। बाबा साहब ने अपने आगरा के भाषण में यही कहा था कि पढ़े लिखों ने मुझे धोखा दिया। उस समय अंग्रेज सरकार ने बाबा साहब को पूछा था और बाबा साहब ने कहा था अंग्रेज सरकार के, आप मुझे किस काबिल समझते हैं। जवाब में आया था कि आप एक चलती फिरती लाइब्रेरी हैं, आपके पास हर बात का उत्तर है, हर प्रश्न का हल है, बोलो आपको क्या चाहिए।
बाबा साहब ने कहा था मेरे जैसे 16 आदमी जो हैं उनकी उच्च शिक्षा प्राप्त होनी चाहिए उनको, और 16 आदमियों को बाहर भेजा उच्च शिक्षा के लिए, और 16 आदमी वहां से पढ़ लिख कर आए और आकर अपनी कोठियों में बंगलों में शादियां जहां मन चाह कर ली, लेकिन समाज की तरफ ध्यान नहीं दिया। इसलिए बाबा साहब ने कहा था कि पढ़े लिखे ने मुझे धोखा दिया है। उस संदर्भ में आज अगर हम देखते हैं तो क्या हम समाज के प्रति ईमानदार हैं? मेरे ख्याल में कोई दिखाई देता नहीं है जो समाज को लेकर आगे चले। कांशीराम जी उनके बाद आए तो उन्होंने समाज की तरफ ध्यान दिया। तो हम पढ़े लिखे होकर पढ़ लिखकर हम बाबा साहब की गलतियां निकालते हैं, कांशीराम की गलतियां निकालते हैं, बहन मायावती की गलतियां निकालते हैं कि वो यहां गलत हैं, मान्यवर यहां गलत थे, बाबा साहब यहां गलत थे। जो 6 विद्वानों में से विद्वानों में गिनती आती है बाबा साहब की। भारत एक ऐसा देश है जहां विद्वान नहीं, आप ये कह सकते हो भगवान पैदा होते हैं। दुनिया में सबसे महामानव महापुरुष दुनिया में सबसे ऊंचे हमारे भारत देश में हुए, तथागत भगवान बुद्ध और बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। कुछ लोग माताएं बहने या मेरे भाई बाबा साहब को नहीं जानते, और जो कुछ लोग जानते हैं पढ़ते हैं उनको सुनते हैं वो केवल जानते हैं, मानने वाले कोई नहीं है, दिखता नहीं कोई मानने वाला। कि बाबा साहब की एक बात भी मानकर हम समाज को आगे ले जाएं तो इस देश की ये विडंबना है कि इतने बड़े महान तथागत भगवान बुद्ध इसी धरती में पैदा हुए और उनका दम भारत के देशों में फैल गया पर हमारे देश में लुप्त हो गया। आज अपने लोगों में कहीं भी समाज में जाते हैं तो तथागत के दम के बारे में कोई बात करते हैं तो लोग सोचते हैं ये कोई नया धर्म आ गया, ये आचार्य जी भिक्खू जी क्या बोल रहे हैं, इसकी हमें समझ नहीं लग रही, ये कोई नया धर्म है। हाँ बुद्ध धर्म का उन्होंने नाम तो सुना है लेकिन क्या है धर्म, जब उनको व्याख्या करते हैं तो वो कहते हैं कि ये कोई नया धर्म आ गया है, हम तो इसको मानते हैं, हमारी मान्यता तो ये है, हमारी मान्यता फलानी है, हमारी मान्यता में तो ये आता ही नहीं है, हम तो ये नहीं मान सकते। अपनी माँ को बहनों को दादी नानी को पूछें, अगर उनके सामने कोई धर्म की बात करें या अपने व्यवहार में अपने आचरण में किसी भी कार्यक्रम में लाएं कर्मकांड में लाएं कि हमने ये करना है, हमारी दादी नानी माँ बहन इवन पत्नी भी ऐसी बात को नहीं मानेंगी। तो फिर हमारा समाज कहाँ जा रहा है? हम बोधाचार्य बनकर भिक्खु बनकर समाज को क्या कर रहे हैं?
क्या सिखा रहे हैं समाज को? यही बड़ी मैडम है। तो मेरा कहना है कि जैसे भिक्षुगण ने यहां 10 दिन चीवर लिया है, चीवर का महत्व समझेंगे, बोधाचार्य बने हैं जो, केंद्रीय शिक्षक बने हैं जो, बाबा साहब को और तथागत भगवान बुद्ध को पढ़ेंगे और आचरण में लाएंगे। जब तक हम आचरण में नहीं लाएंगे, जब तक हम धारण नहीं करेंगे, तो कोई मतलब नहीं रह जाता पीछे। अगर हम पीछे इतिहास में जाएं, तो हमारी स्थिति क्या थी, रोंगटे खड़े हो जाते हैं ये बातें सुन के। कि ऐसी भी हमारी स्थिति होती होगी कि यहां जिस तलाह से कुत्ता पानी पी सकता है, जानवर पानी पी सकता है, हमारे लिए छूने तक भी बना था। मंदिर जाना तो दूर, मंदिर से पास से गुजर जाना भी वहां ही मार दिया जाता था। अगर शब्द सुन लिया है ओम का, तो कान में शीशा पिघला के डाल दिया जाता था। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या हालत होगी उस वक्त हमारे पितरों की, जिनको हम पूजते हैं कौए के रूप में। अभी अभी श्राद्ध किए हैं, सभी ने अपने अपने पितरों को पूजा होगा, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। कोई एक आधा होगा जिसने नहीं पूजा। तो पितरों को पूजा तो कौए को बुलाते हैं, छत पर चढ़ के को 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 बोलते हैं, कौआ आके खा जाता है और बोलते हैं हमारे पितर जो हैं खुश हो गए हैं। जिनको पानी नहीं पीने दिया जाता था तालाब में, जिनको मंदिर से गुजरने नहीं दिया जाता था, उनको हम पितर मानते हैं और कहते हैं अब कौए की रूह में चला गया है, कौए के जन्म में चला गया है वो, अब उसको कौए को मनाते हैं। समय के भाव से कहना तो बहुत कुछ रहा। मैं बाबा साहब के संदर्भ में एक छोटा सा भजन गाऊंगा। मेरे ख्याल में वो भजन सुनकर हमारा इतिहास हमारे सामने आ जाएगा। लिखने वाले ने लिखा है,